निवारी जी अपना परिचय बताएंगे। जी नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम मुकेश निवारी, श्री रतिराम निवारी पिताजी का नाम है, और मैं विकास खंड लांजी ग्राम अमेरा पाका निवासी हूँ, और जिला मेरा बालाघाट आता है। मैं उद्यानिकी विभाग के योजना में जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के अंतर्गत वह HDVP वर्मी बेड प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे 2 बेड प्राप्त हुआ था, और साथ ही उसके साथ 4 किलो मुझे केचुआ प्राप्त हुआ था। साथ ही एक मुझे नेट प्राप्त हुई थी जो वर्मी बेड को कवर करने के काम में आई थी। इन सामग्रियों से मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की तैयारी किया, और गोबर की खाद का उपयोग किया मैंने, और उसके बाद में मैं 40 से 45 दिन के बाद में मुझे कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त होना शुरू हुआ, और ये प्रक्रिया 70 दिन के में कंप्लीट हो जाती है। इसका उपयोग मैं अपने बागवानी फसलों में और घरेलू जो सब्जियां उत्पादन में, और साथ ही साथ हमारी जो अनाज वाली फसलें होती हैं उसमें भी मैं इसका उपयोग करते आ रहा हूँ, और इसका जो परिणाम आ रहा है मुझे जैविक खेती, जैसा कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार की योजना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और उसका मैं भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, और इसका मुझे फ़ायदा भी मुझे देखने को मिल रहा है, और मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे जहाँ अनाज प्राप्त हो रहा है जिसका मैं उपयोग अपने घरेलू उपयोग में और अपने जान पहचान के लोगों के लिए मैं इसका जो उत्पाद आ रहा है उसको मैं विक्रय भी कर लेता हूँ और अपने स्वयं के उपयोग में भी ले रहा हूँ। एक बार में कितनी खाद चल जाती है? इसका दो डब भरते हैं, एक बेड से इसमें पूरा आपका एक ट्राली खाद, जो कच्चा खाद होता है वो भरना होता है, जो 1500 किलो के लगभग होता है। इससे हमें जो पकी हुई वर्मी कंपोस्ट जो 8 से 9 क्विंटल लगभग प्राप्त हो जाती है। आप देखते हैं कि ये गोबर से बना हुआ केचुआ खाद एकदम भुरभुरा और उपयोग करने में भी बहुत सुविधाजनक है, और पूरा कंप्लीट जो कृषि में और जो भूमि और जो फसलों के जो सरकार के जो पोषक तत्व है, सारे पोषक इसमें उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ इसमें हमें वर्मी भी प्राप्त हो तो हमारे हार्मोन्स का भी काम करता है। मैं विभाग, शासकीय उद्यान विभाग का मैं आभारी हूँ जो योजना का लाभ दिलवा करके इसका जो मुझे भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा हूँ मैं।